हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। हमारा चैनल यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। अच्छा कंटेंट, अच्छी पढ़ाई, सब कुछ अच्छे से होता है तो एग्ज़ाम्स भी अच्छे ही होते हैं, और वो भी टोटली 100% फ्री। तो फ्री तो आपका मतलब है कि आपको यहाँ पर वीडियो देखने के लिए कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप वीडियो जितनी बार जब चाहें देख सकते हैं 100% फ्री। इसी फ्री की श्रृंखला में जो आज का हम वीडियो लेकर आए हैं, ये क्लास 10th हिंदी कोर्स ए की हमारी बुक है कृतिका भाग 2। ये हमारी हिंदी की पूरक पुस्तिका है। इसका अध्याय है हमारा 3, साना साना हाथ जोड़ी। तो ये जो पार्ट है ये एक यात्रा वृत्तांत है, जो गंगटोक की यात्रा हमारे सामने, गंगटोक की यात्रा पर हमारी लेखिका मधु कांगरिया गई थी, उन्होंने वहाँ का चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि कैसे कैसे वहाँ के लोग कितने मेहनत कश होते हैं, कितनी टफ लाइफ होती है, कितने सुंदर नज़ारे होते हैं, सभी कुछ उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इस पार्ट में प्रस्तुत किया था। इस पार्ट का हम डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, वन शॉट रिवीजन सभी कुछ कर चुके हैं। तो आज क्या कर रहे हैं, आज हम कर रहे हैं एमसीक्यूज। भाई हमारे जो एग्ज़ाम्स आते हैं उनमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सब्जेक्टिव तो जैसे हम कर चुके हैं तो ऑब्जेक्टिव भी आज हम करेंगे, क्यों भाई इनको करना समझना ज़रूरी होता है कि किस तरीके से पूछे जाते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो दो तरीके से पूछे जाते हैं, गद्यांश पद्यांश आधारित और एक पूर्ण पाठ आधारित। लेकिन कृतिका से जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बहुविकल्पीय, वो गद्यांश पद्यांश आधारित नहीं पूछे जाते हैं, वो संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए फटाफट हम यहाँ पर सारे प्रश्न करते हैं, तो शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न है आपके पास में, गंगटोक में सुबह आंख खुलते ही लेखिका बालकनी की ओर क्यों दौड़ी थी, क्या कारण था? माउंट एवरेस्ट देखने के लिए, कंचनजंगा देखने के लिए, धौलागिरी देखने के लिए, अमरनाथ की गुफा देखने के लिए। तो सही क्या था, वो कंचनजंगा की जो श्रृंखलाएँ, पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, वो उनके क्या नाम खिड़की से, होटल की खिड़की से दिखाई देती थी। लेकिन उस दिन धुंध होने की वजह, जब वो देखने गई तो धुंध थी तो उनको वो नज़ारा देखने को नहीं मिला। उसके बनिस्पत उन्होंने सामने पूरी फूलों की घाटी देखी, जिसको वो देखकर बहुत प्रसन्न हो गई थी। जितेन ने खेदुम को किनका निवास बताया है, खेदुम जगह का नाम था ना, उन्हें किनका जगह निवास, देवी देवताओं का, बड़े व्यापारियों का, असुरों का या शापग्रस्त लोगों का? तो जितेन नारगे जो उनके गाइड थे प्लस उनके ड्राइवर थे हमारी लेखिका के, तो उन्होंने क्या बताया था, खेदुम क्या है, खेदुम जो है वो देवी देवताओं का निवास स्थान बताया था कि यहाँ पे देवी देवता निवास करते हैं। तिम्रो माया से घेई मलाई सता ऊंचा का अर्थ क्या है, इसका क्या अर्थ होता है? तुम्हारी माया तुम ही जानो, तुम्हारा प्यार अमर है, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है, तुम्हारा प्यार सच्चा है। तो ये जो बोला गया था इसका मतलब होता है तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। मन वृंदावन होने का अर्थ है, मन वृंदावन होने का क्या मतलब होता है? वृंदावन की सैर करना, वृंदावन में मन बस जाना, ब्रजवासी होना, अत्यधिक प्रसन्न होना। तो मन वृंदावन हो जाने का तात्पर्य होता है अत्यधिक प्रसन्न हो जाना। मतलब हम जब किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं तब ये मुहावरा आपका बोला जाता, सॉरी वो लोकोक्ति बोली जाती। अब इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो वृंदावन में जो विनाश जो निवास करते हैं वो बहुत ही आनंद के साथ मतलब निवास करते हैं, इसलिए वहाँ के लोग जो हैं श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि मन वृंदावन हो गया, अर्थात मैं वहाँ पर रहकर बहुत प्रसन्न हो गया। अब इसका मतलब ये तो होता है इसी लोकोक्ति ऐसी कारण बनी थी, लेकिन अब इस लोकोक्ति को हर कोई व्यक्ति तो वृंदावन जाके नहीं रह सकता। तो अब ये हुआ कि जो कोई भी प्रसन्न होता है, बहुत अत्यधिक प्रसन्न होता है, तो वो क्या कहता है, मन वृंदावन हो गया। प्रकृति जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार करती है, यानी कि जो हमारी प्रकृति है, पानी तो बरसता है बारिश के मौसम में, अब वो संचय मतलब प्रकृति इकट्ठा कैसे करती है वो अपने पास में। सर्दियों में पर्वतों पर बर्फ पड़ती है, गर्मियों में वह बर्फ पिघलती है, पहाड़ों से निकलने वाली नदियां लोगों का प्यास बुझाती हैं।
सभी कथन सत्य है। तो यहाँ पे प्रकृति जल का संचय ऐसे ही करती है, यानी कि बर्फ के रूप में पहाड़ों पर होती है, फिर गर्मियों में जब वो बर्फ पिघलती है तो नदियों के रूप में शुद्ध जल जो है वो लोगों के सामने आता है और सभी की प्यास बुझती है। इसलिए यहाँ हम ये कहेंगे ये सभी कथन सत्य हैं। लेखिका ने जब एक सिक्किमी युवती से पूछा क्या सिक्किमी हो, तो उसने क्या जवाब दिया, उसने पूछा क्या तुम सिक्किमी हो, तो उसने जवाब क्या दिया था, हाँ मैं सिक्किमी हूँ, नहीं मैं बंगाली हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं गढ़वाली हूँ। तो उसने क्या बोला था, मैं इंडियन हूँ। उसने ये नहीं बोला भाई हम अलग अलग स्टेट का क्यों, मैं हम ऐसे क्यों बोले हम बंगाली हैं, हम बिहारी हैं, महाराष्ट्रीयन हैं, हम क्या कहते हैं जो भी देश के तमिल हैं, तेलुगु हैं, हम ऐसा क्यों बोलें, भाई हम इंडिया में रहते हैं तो हम क्या बोलेंगे, हम इंडियन हैं, इस तरीके से बोलेंगे। पहाड़ी कुत्तों की मणि ने क्या विशेषता बताई थी, उनकी एक फ्रेंड भी उनके साथ थी मणि, तो उसने क्या बताया था कि पहाड़ी कुत्तों की क्या विशेषता होती है, पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं, वे बहुत खतरनाक होते हैं, ये बहुत शक्तिशाली होते हैं, ये केवल सफ़ेद रंग के होते हैं। तो पहाड़ी कुत्तों की जो विशेषता मणि ने बताई थी कि वे चांदनी रात में भौंकते हैं। सिलीगुड़ी के पास लेखिका को कौन सी नदी दिखाई दी थी, गंगा, यमुना, तिस्ता या व्यास, तो कौन सी नदी दिखाई दी थी, उन्हें दिखाई दी थी तिस्ता नदी। जितेन ने देवी देवताओं के निवास वाली जगह का क्या नाम बताया था, जहाँ पर देवी देवता निवास करते हैं उस जगह का क्या नाम बताया था, यूथोंग, खेदुम, कटाव या भेटुला, उसने क्या बताया था, खेदुम वो जगह है जहाँ पर देवी देवता निवास करते हैं। गैंगटॉक यानी गंगटॉक का क्या अर्थ होता है, इसका ये जो शब्द लिया गया इसका मतलब क्या होता है, जलाशय, चोटी, पहाड़ या पठार, तो गैंगटॉक यानी गंगटॉक का अर्थ होता है पहाड़, एक बहुत बड़ा सा पहाड़ होता है। भारतीय आर्मी के किस कप्तान ने यूथोंग को टूरिस्ट स्पॉट बनाने में सहयोग दिया था, कौन थे वो, कप्तान शेखर दत्त, कप्तान शेखर कपूर, कप्तान जोगेंद्र सिंह, कप्तान सुब्बराय, तो क्या सही था, वो थे कप्तान शेखर दत्त, जिन्होंने यूथोंग को एक टूरिस्ट प्लेस बनाने में बहुत मदद करी थी। साना साना हाथ जोड़ी पाठ, ये जो पाठ है ये क्या है, एक संस्मरण है, एक रेखा चित्र है, एक यात्रा वृत्तांत है या एक कहानी है, तो इस वीडियो के शुरू में ही हमने बताया था कि ये एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत क्या होता है, जब हम कहीं यात्रा पर जाते हैं तो मोस्टली क्या होता है कि बहुत से लोग लौट के आके उस यात्रा का विवरण लिखते हैं, तब वो यात्रा वृत्तांत नहीं रह जाता क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो यात्रा वृत्तांत मतलब यात्रा के दौरान जो जो चीज़ें हमने देखी, जहाँ जहाँ हम गए, उस चीज़ का विस्तृत वर्णन डे बाय डे अच्छे से किया जाए, तो वो होता है यात्रा वृत्तांत। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किस शहर के सौंदर्य का वर्णन है, कौन से पाठ शहर का है, अगरतला, गुवाहाटी, महाबलेश्वर या गंगटोक, तो कौन से है, वो है आपका गंगटोक, यानी इसको आप गैंगटॉक बोलो, गंगटोक बोलो, क्योंकि वहाँ के स्थानीय भाषा में उसे गंगटोक बोलते हैं। तो इस तरीके से आपने कई जगह पाठ में गंगटोक भी देखा हो, गंगटोक इसलिए क्योंकि वहाँ के लोकल जो लोग हैं वो गैंगटॉक नहीं बोलते, वो क्या बोलते हैं, गंगटोक बोलते हैं। लेखिका के ड्राइवर व गाइड का नाम क्या था, शेर बहादुर, एन के संगमा, जितेन नारगे, एस करियप्पा, तो जो नाम था वो था आपका जितेन नारगे, जो उनका ड्राइवर भी था और गाइड भी था। यूथोंग घाटी की क्या विशेषता थी, इस घाटी की विशेषता क्या थी, यह घाटी बहुत गहरी है, यह घाटी फूलों से भर जाती है, यह खतरनाक घाटी है, इस घाटी में बड़े बड़े मैदान हैं। तो यूथोंग घाटी की जो आपकी खासियत थी वो है यह घाटी फूलों से भर जाती है, कि जब थोड़ा गर्मी, समर्स का मौसम जिसे हम वहाँ पे बसंत का मौसम बोल सकते हैं, उस मौसम में ये पूरी तरीके से फूलों से भर जाती है। लेखिका ने किस जंगल में पत्ते तलाशती हुई युवतियां देखी थी, कौन सा जंगल था वो, पलामू, सतपुड़ा, पलाश के जंगल या गिर के जंगल, तो वो जो जंगल थे वे थे आपके पलामू के जंगल थे, जहां पर जो है कुछ युवतियों को उन्होंने पत्ते तलाशते हुए देखा था।
जितेन ने यूथोंग घाटी में किस फिल्म की शूटिंग होने की बात कही थी, कौन सी फिल्म की, एक ही फिल्म की बात हुई है पूरी पार्ट में, कौन सा है, गाइड, एक फूल दो माली, बरसात, फूल खिले, गुलशन गुंशन। तो वो जो फिल्म थी वो थी गाइड, देवानंद जी की गाइड, बहुत ही प्रसिद्ध मूवी है, वो वहां पर शूट हुई थी। गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है, यहाँ पर लेखिका ने मेहनतकश बादशाहों का शहर इसको बोला, क्यों ऐसा बोला उन्होंने, यहाँ बादशाह रहते हैं इसलिए, लोगों के परिश्रम के कारण, इस शहर को यहाँ के लोगों ने अपने परिश्रम से खूबसूरत बनाया है, यहाँ के लोग बहुत बहादुर होते हैं। तो सही ऑप्शन है आपका नंबर 3, इस शहर को यहाँ के लोगों ने अपने परिश्रम से खूबसूरत बनाया है। गंगटोक में श्वेत पताकाएं किस अवसर पर फहराई जाती हैं, तो वहां पर लेखिका ने बहुत सारी सफेद पताकाओं को देखा, तो क्या कारण था कि वो पताकाएं फहराई जाती हैं वहां पर, शांति के अवसर पर, युद्ध के अवसर पर, शोक के अवसर पर, किसी उत्सव के अवसर पर। तो वहां पर क्या होता है, जब किसी बौद्ध भिक्षु का या लामा की मृत्यु हो जाती है तो उनके शोक के अवसर पर वहाँ पे 108 शोक पताकाएँ, सफ़ेद जो पताकाएँ होती हैं उनको फहराया जाता है। तो सही क्या है, शोक के अवसर पर फहराई जाती हैं। कटाव पर दुकान होने से सुंदर घाटी को क्या नुकसान होता, कटाव जो जिसे क्या कहते हैं वहाँ का स्विट्जरलैंड बोला जाता है गंगटोक का, अगर कहते वहाँ पर कोई भी कमर्शियल शॉप होती तो वहाँ क्या नुकसान होता, यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य नष्ट हो जाता, यहाँ के लोग बाहरी वस्तुएं खरीदने लगते, यहाँ भू माफियाओं का कब्जा हो जाता, यहाँ के लोगों का जीवन अशांत हो जाता। तो सही क्या है, यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य जो है समाप्त हो जाता, नैसर्गिक मतलब जो प्रकृति से रिलेटेड जो सौंदर्य है वो समाप्त हो जाता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दुकानें खुल जाती, टूरिस्ट प्लेस बन जाता, तो एक जो नेचुरल चीज़ थी वो यहाँ की समाप्त हो जाती। लेखिका ने साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना किससे सीखी थी, उन्होंने किससे, किसने उन्हें ये प्रार्थना सिखाई थी, जितेंद्र नारगे ने, स्कूली बच्चों ने, नेपाली युवती ने, या स्कूल की शिक्षिका ने, तो उन्हें ये जो प्रार्थना है वो किसने सिखाई थी, एक नेपाली युवती ने ये प्रार्थना सिखाई थी। आसमान उल्टा पड़ा हुआ क्यों दिखाई दे रहा था, एक जगह लेखिका ने बोला है जैसे मानो लग रहा था कि आसमान उल्टा पड़ा हुआ है, यानी ऊपर नहीं आके नीचे आ गया, ऐसा क्यों बोला उन्होंने, लेखिका को आसमान के उल्टा होने का भ्रम हो गया था, पर्वत के ऊपरी भाग में घाटी में बसे गंगटोक की लाइट तारों की तरह लग रही थी, पानी में पड़ रहे प्रतिबिंब के कारण, आकाश के स्वच्छ हो जाने के कारण। तो सही क्या था भाई, गंगटोक की पहाड़ियों के ऊपर जो घर बसे हुए थे वहाँ पे रात के समय लाइट जल गई थी, इसलिए जैसे लग रहा था कि जो आसमान है वो ज़मीन पर उतरा, अर्थात उलट के वो ज़मीन पर आ गया है। लेखिका ने गंगटोक को किसका शहर कहा, किसका शहर कहा, मेहनतकश बादशाहों का, परिश्रमी लोगों का, वैज्ञानिकों की देन का, प्राचीन परंपराओं का। तो सही ऑप्शन है, उन्होंने मेहनतकश बादशाहों का शहर गंगटोक को बोला है। रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका के मन में क्या जगा रही थी, रात में जब जिस दिन उन्होंने तारों को जो है धरती पर उतरते देखा था, वो रात उनके मन में क्या जगा रही थी, आदर, प्यार, सम्मोहन या आशा। तो उन्हें क्या दिखा रही थी, उन्हें सम्मोहन जो है उनके अंदर था, सम्मोहन मतलब जिसको हम बोलते हैं हिप्नोटाइज करना। तो कहने का तात्पर्य है कि वो सुंदरता इतनी अधिक थी कि वो उसी में खो गई थी, वो अपने आप तक को भूल गई थी। देखते ही देखते रास्ते किसकी तरह घुमावदार होने लगे थे, रस्सी की तरह, जलेबी की तरह, सांप की तरह या नदी की तरह। तो रास्ते कैसे हो रहे थे, जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। लायूम की सुबह कैसी थी, बादलों से युक्त, शीतल कर देने वाली, सम्मोहन जगाने वाली, बेहद शांत और सुरमय। तो कैसी सुबह थी, सुबह थी बेहद शांत और सुरमय, क्योंकि वहाँ पे कोई चहल पहल इतना नहीं है, मतलब शहरीकरण जिसे आप कहते हो उससे वो दूर है, और प्राकृतिक सौंदर्य के नज़दीक है, तो जाहिर सी बात है शांत भी है। सुरमय इसे बोलेंगे क्योंकि प्रकृति का सारी चीज़ें वहाँ पे बड़ी तालमय तारमयता से चलती हैं, तो इसीलिए उसको सुरमय भी बोला गया है।
यूथोंग गंगटोक से कितनी दूरी पर है? अब यूथोंग गंगटोक से कितनी दूरी पर है? 146 किलोमीटर, 148 किलोमीटर, 149 किलोमीटर, 152 किलोमीटर। तो क्या था? वो है 149 किलोमीटर दूर यूथोंग से गंगटोक। हिमपात का आनंद लेने की आशा से लेखिका कहाँ पहुंची थी? भाई वो बर्फ देखना चाहती थी, गिरती हुई बर्फ का आनंद लेना चाहती थी, तो इस इच्छा को लेकर वो कहाँ पहुंची थी? लाचुंग, लोंगस्टोंग, खेदुम या भेटुला। तो वो कहाँ पे जाकर पहुंची थी? वो पहुंची थी लाचुंग। वहाँ पहुंची तो भाई बर्फ मिलेगी, लेकिन बताया गया कि प्रदूषण के कारण अब यहाँ पे बर्फ नहीं पड़ती। ये तो बहुत सालों से वहाँ वो उनको बर्फ वहाँ पर मिली ही नहीं। गंगटोक किस राज्य की राजधानी है? मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम या मेघालय। तो जाहिर सी बात है, हमने पाठ के शुरू में ये चीज़ बताई थी कि सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी का क्या नाम है? हम सभी को पता है कि एवरेस्ट सबसे ऊंची, मगर तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा या नंदा देवी। तो तीसरी सबसे बड़ी चोटी है आपकी कंचनजंगा। रकम रकम का क्या अर्थ है? रकम रकम जो शब्द इस्तेमाल किया है उसका अर्थ क्या है? तरह तरह के, पैसा, नमक या इनमें से कोई नहीं। तो रकम रकम का यहाँ तात्पर्य है आपका तरह तरह के। लेखिका को रास्ते में किस रंग की पताकाएं दिखाई दी थी? लाल, हरा, पीला या सफेद। तो उन्हें कैसी पताकाएं दिखाई थी? उन्हें सफेद रंग की पताकाएं दिखाई गई थी। तब उन्होंने पूछा था, तब पता चला था कि बौद्ध भिक्षुओं या लामाओं के मरने पर ये 108 बौद्ध पताकाएं, जो श्वेत पताकाएं हैं, ये शोक के रूप में फहराई जाती हैं। शिद्दत का क्या अर्थ होता है? तीव्रता, प्रबलता, अधिकता या इनमें से सभी। तो यहाँ पर शिद्दत का तात्पर्य है ये सभी, यानी कि कोई चीज़ हम बहुत शिद्दत से चाहें, कहने का मतलब हमारे अंदर जान पानी की उसकी इच्छा हो गई, तो उसको बोलेंगे तीव्र इच्छा या प्रबल इच्छा हो गई है। और इसके लिए शिद्दता हम अधिकता के लिए भी इस्तेमाल करते हैं कि कोई चीज़ बहुत अधिक मात्रा में हमको चाहिए होती है। ठाठे से क्या समझते हैं? ठाठे जो शब्द है इसका, इससे आप क्या समझते हैं? खटिया, हाथ में पड़ने वाली गांठ या निशान, बड़े अए हुए पेट वाला या इनमें से कोई नहीं। तो ठाठे का जो तात्पर्य होता है, जब कोई बहुत मेहनत करता है, मतलब फिजिकली उसकी मेहनत हाथों से ज़्यादा होती है, तो हाथ के जो ये पोर्शन होते हैं ना, ये बहुत टाइट हो जाती हैं। तो हाथों में क्या होता है, ज़्यादा परिश्रम के कारण गांठें पड़ जाती हैं, निशान पड़ जाते हैं, तो उनको बोला जाता है ठाठे। साना साना हाथ जोड़ी नामक पाठ की रचयिता का क्या नाम है? महादेवी वर्मा, मधु कांगरिया, कमलेश्वर या शिव पूजन सहाय। तो इस पाठ की जो लेखिका है वो है मधु कांगरिया। कंचनजंगा किस पर्वत की चोटी का नाम है? हिमालय पर्वत, कंचन पर्वत, सुमेरु पर्वत या नीलमणि पर्वत। तो वो कौन सी पर्वत श्रृंखला है जिसमें कंचनजंगा आती है? वे है आपकी हिमालय पर्वत श्रेणियाँ। भाई वहाँ पे खाली एक हिमालय खाली एक तो है नहीं, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, उसमें बहुत अलग अलग तरह की चोटियाँ हैं। बहुत सबसे ऊंची चोटी का नाम एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है, उसके अलावा भी नीचे और भी हैं, नंदा देवी भी है, सब आती हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि तीसरी सबसे बड़ी चोटी जो है वो कंचनजंगा है, जो हिमालय पर्वत रेंज में आती है। बौद्ध धर्म में किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर उसकी आत्मा की शांति के लिए कितनी पताकाएं फहराई जाती हैं? अभी हमने आपको बताया 130, 140, 150 या 108। तो फहराई कितनी जाती है? 108 पताकाएं फहराई जाती हैं। जितेंद्र नारगे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? महात्मा गांधी की, दलाई लामा की, महात्मा बुद्ध की या महावीर की। तो जितेंद्र नारगे की जो जीप थी, जिससे वो हमारी लेखिका को जो है सब जगह लेके जा रहा था, वहाँ पर दलाई लामा की जो फोटो है वो लगी हुई थी। लेखिका को मार्ग में सफ़ेद रंग के जो ध्वज दिखाई दिए थे, वे किस धर्म से संबंधित थे? यानी कि वो किस धर्म से संबंधित थे? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म या मुस्लिम धर्म। तो वो संबंधित किससे थे आपके? बौद्ध धर्म से संबंधित थे। मशगूल शब्द का अर्थ है, मशगूल क्या होता है? मशहूर, व्यस्त या प्रसिद्ध या सुंदर। तो मशगूल शब्द का मतलब होता है आपका व्यस्त, जिसे हम बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं हम, उसी को हम व्यस्त बोलते हैं, उसी को हम मशगूल बोलते हैं।
प्रकृति के विराट रूप को देखकर लेखिका को क्या प्रेरणा मिलती है? जब उन्होंने प्रकृति का, तब भाई जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो सच में हमको ऐसा लगता है कि हम तो बहुत ही छोटे से हैं। प्रकृति का जो नज़ारा हमें वहाँ देखने को, ऊंचे ऊंचे पहाड़, पेड़ सब देखने को मिलते हैं, तब हमें समझ में आता है कि प्रकृति कितने विराट रूप में विराजमान है। तो ये देख कर हमारी लेखिका को क्या लगा था? सदा काम में लगा रहना चाहिए, सदा मुस्कुराते रहना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। तो यहाँ पर जब उन्होंने प्रकृति का विराट रूप देखा तो उनके मन में आया कि सदा मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि मुश्किल मतलब यहाँ की ज़िंदगी बहुत टफ थी। प्रकृति का जो विराट रूप देखे वहाँ के लोगों का जीवन, तो इसलिए वो वहाँ के लोग भी इतना टफ जीवन बहुत ही मुस्कुराते हुए जीते थे। हम तो कुछ भी नहीं है इस तरह, हमारी लाइफ बहुत ईजी है, वहाँ के लोगों की लाइफ बहुत टफ होती है, तब भी वो लोग हमेशा मुस्कुराते गाते रहते हैं। लायुंग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे, अभी हमने देखा था कि लायुंग गैंगटॉक से 149 किलोमीटर दूर था। अब इन्होंने लायुंग की ऊंचाई समुद्र तल से पूछी है कितनी होती है, 10,000 फीट, 11,000 फीट, 12,000 फीट या 14,000 फीट। तो सही क्या है, लायुंग समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। कटाओ लायुंग से कितनी ऊंचाई पर है, अब लायुंग आए, लायुंग से ऊपर कटाव है तो कितनी ऊंचाई पर है वो आपको बताया गया है, 500 फीट, 400 फीट, 300 फीट या 200 फीट। तो लायुंग से जो कटाव है वो 500 फीट पे, यानी कि समुद्र तल से वो कितना ऊंचा हुआ, 14,500 फीट, क्योंकि समुद्र तल से लायुंग की ऊंचाई 14,000 फीट। अब लायुंग से कटाव 500 फीट पे, तो टोटल समुद्र तल से आपकी कटाव की ऊंचाई कितनी हो गई, 14,500 फीट। तो यहां पर जो पूछा गया है वो लायुंग से कटाव के बीच है, तो वो है 500 फीट पे। कटाव को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है, इंग्लैंड, अमेरिका, स्विट्जरलैंड या जर्मनी, तो उन्हें क्या बोला जाता है, स्विट्जरलैंड बोला जाता है। लायुंग से कटाव का सफर कितने घंटे का है, अब लायुंग से अगर 500 फीट की ऊंचाई पर है और वहां पर जाने के में कितना टाइम लगता है, 5 घंटे, 2 घंटे, 9 घंटे या 6 घंटे, तो लायुंग से कटाव जाने में 2 घंटे का समय लगता है। लायुंग में बर्फबारी कम क्यों होने लगी है, भाई वो पहुंची थी वहाँ बर्फ़ देखने के लिए, वहाँ नहीं मिली, बोला कि कटाव जाकर देखिए। तो लायुंग में जो बर्फबारी कम होने लगी उसका कारण क्या था, गर्मी पड़ने के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, प्रदूषण के कारण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वहाँ के लोगों ने क्या बताया था कि प्रदूषण के कारण अब यहाँ पे बर्फबारी कम होने लगी है। लेखिका को कंचनजंगा की चोटी क्यों नहीं दिखाई दी, अब उन्हें कंचनजंगा की चोटी क्यों नहीं दिखाई दे रही थी, जब वो सुबह सुबह खिड़की पे आई तो उन्हें नहीं दिखी थी, क्या कारण था, बादल होने के कारण, प्रदूषण के कारण, अत्यधिक ऊंचाई होने के कारण या बहुत दूर होने के कारण, तो उन्हें नहीं दिखाया दिया था क्योंकि आकाश में बादल थे और बादलों से कंचनजंगा की चोटी छिप गई थी। कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ कैसे चमक रहे थे, कटाव में भाई उनको बर्फ मिल गई थी और वहां पर जो है बर्फ से ढके पहाड़ भी थे, तो वो उनको किस तरह का विशेषण लेखिका ने इस्तेमाल किया है उसके लिए, दूध की तरह, चांदी की तरह, रुई की तरह या सफेद झाग की तरह, तो कैसे चमक रहे थे, चांदी की तरह चमक रहे थे। नारगे ने लेखिका को किसके फुटप्रिंट वाला पत्थर दिखाया, तो नारगे ने एक जगह एक पत्थर पे एक फुटप्रिंट दिखाया था, वो फुटप्रिंट किस किसका था, गुरु नानक जी के थे, ऋषि मुनियों के थे, येती के थे या देवानंद के थे, तो वो फुटप्रिंट किसके थे, गुरु नानक देव जी के वहां पे फुटप्रिंट थे। खेदुम कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, खेदुम जिसे बताया गया था क्या, देवी देवताओं का निवास स्थान, वो कितनी जगह में फैला हुआ है, लगभग 5 किलोमीटर के एरिया में, लगभग 11 किलोमीटर के एरिया में, लगभग 100 किलोमीटर के एरिया में, लगभग 1 किलोमीटर के एरिया में, तो वो कितने एरिया में फैला है, लगभग 1 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। तो इस तरीके से ये जो हमारा पाठ था हमने आपके लिए संपन्न किया। आप सभी को मेन मेन जितने भी बन सकते थे MCQs हम बना कर लेकर आए, लेकिन अगर इसके अलावा भी आपसे कुछ ऐसी चीज़ हो तो हम यही बोलेंगे कि आप पाठ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जब आप एक बार पाठ पढ़ लोगे तो, क्योंकि एक ही पाठ से मतलब एक पाठ के एक लाइन से ही 3-3, 4-4 प्रश्न बन सकते हैं, वो भी आपके कैसे MCQ, इसलिए पाठ को बहुत ही ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है।
अब ये जितना भी हमने आपको कराया, जैसे ये MCQs हैं, इससे पहले डिटेल एक्सप्लेनेशन वगैरह जो मैंने कराए हैं, ये आपको मिलेंगे कहाँ? इसके लिए आना होगा आपको हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो CBSE K-12 दिखेगा, इसे आप क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपके सामने सारी क्लासेस आ जाएंगी। अब आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, आपकी क्लास है 10th, यहाँ पे हमने 10th सेलेक्ट कर दिया। जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे 10th में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स आपके सामने होंगे। तो अब हम ये कहाँ पे पढ़ रहे थे? हमारी कृतिका बुक पे। तो अब देखिए ये हमारी कृतिका बुक है, इसे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने कृतिका बुक की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। तो जो भी आप चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उसे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने जो है कई सारे लेक्चर्स के ऑप्शन आएंगे, जिनमें डिटेल एक्सप्लेनेशन, NCERT सॉल्यूशन, वन शॉट, MCQs, टेस्ट पेपर सब कुछ आएगा। तो आप जो कुछ भी देखना पढ़ना चाहते हैं उसे क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, अच्छे से पार्ट को समझिए, जो कुछ भी क्वेश्चन आंसर्स करने हैं सब अच्छे से करिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।